नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आपका ये क्लास नंबर है 33, क्लास 6 की NCERT मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और ये मार्च 2020 में जो समय चल रहा है वो सुबह 7 बजे से चल रहा है। अगर कोई अपडेट होती है तो हम अभी आपको नंबर दिखा देंगे, उस पर आप संपर्क करना। वैसे ये 7 बजे से आप देख सकते हो। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, परेशान नहीं होना। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो नहीं परेशान होंगे, इंग्लिश लिखा गया है, और जिनको हिंदी नहीं आती वो परेशान नहीं होंगे क्योंकि हिंदी हम बोलेंगे। कह रहा कि ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव, इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी में समझ लो इसको, व्यवहारिक भाषा में, देसी भाषा में कहने का ये मतलब है यार कि इसमें दो कोण ऐसी मतलब बनाने हैं। क्या कह रहा है? ड्रा रफ डायग्राम मतलब एक रफ फिगर, आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि रफ आकृति बनाए हैं ना, मतलब दो कोणों को रफ आकृतियां खींचिए जिसमें क्या हो, वन पॉइंट आर कामन या इन कामन, मतलब वन पॉइंट इन कामन, आर नहीं, आर तब लगता जब एक से अधिक होता, तो वन पॉइंट इन कामन मतलब एक ऐसी रफ आकृति खींचो जिसमें एक बिंदु कामन हो। कामन को इंग्लिश में बोलते हैं कामन, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो एक बिंदु ऐसा खींचो जिसमें कामन हो, कौन मतलब दो कोण ऐसा बनाओ जिसमें एक बिंदु कामन हो। देखो कोण तो आप जानते हो क्या होता है, मैंने एक कोण बना लिया, ये कोण हो गया ना, एक कोण और बनाओ, दो कोण अलग अलग होने चाहिए जिसमें एक बिंदु कामन हो। तो यार इसी बिंदु को हम ले लेते हैं, इसमें कौन सी मुसीबत है, ये लो एक कोण और बन गया, एक कोण मैंने बी बना लिया, एक सी बना लिया, चलो एक बिंदु कामन है वो है ओ, लिख दो इस दी गई आकृति में बिंदु ओ कामन है दोनों कोणों के लिए। देखो दो कोण बने बी और सी, लेकिन दोनों के लिए बिंदु ओ कामन है। बात समझ गए ना आप, ठीक ना, इतनी बात पक्की हो गई। चलो अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है कि दो बिंदु कामन हो, मतलब टू पॉइंट आर कामन। अब देखो ऐसी आकृति बनाओ टू पॉइंट कामन, इसमें कह रहा है टू पॉइंट्स इन कामन, एक ऐसी आकृति बनाओ, एक ऐसा फिगर बनाओ जिसमें दो बिंदु कामन हो। बहुत ध्यान से समझना, तो दो बिंदु कामन के लिए क्या बनाओगे, बना लो यार जैसे अभी बनाए थे वैसे ही कुछ, ये लो दो बिंदु कामन दिखाना है ना, क्लियर हो रहा कि नहीं। चलो फटाफट नाम लिख दो, इस पे कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने टी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, नहीं यहाँ नहीं लिखोगे खोपड़ी पे, नीचे लिखोगे इधर सी, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। अब देखो लिखो पॉइंट टी कामा बी आर कामन, मतलब समझना, देखो बिंदु टी भी कामन है चूंकि ये कोण जो बन रहा है, देखो डी है मान लो एफ है, तो कोण डी के लिए भी बिंदु बी यूज हो रहा है और टी भी यूज हो रहा है, तभी कोण डी बनेगा, नहीं नहीं बनेगा। अगर कोण एफ बनाओगे तब भी उसके लिए भी ये वाली लाइन जरूरी है, और इफ लाइन पर पी है वो बी है तो बी भी कामन है, यानी बी ये पॉइंट बी और पॉइंट जो टी है ये दोनों कोणों के लिए कामन है। समझ गए ना, तो लिख लो जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं। आगे तीसरा नंबर थर्ड क्या कहता है इसको भी देख लो। इसमें कह रहा कि थ्री पॉइंट्स इन कामन, अब तीन पॉइंट कामन हो कोई ऐसा चित्र बनाओ, बहुत ध्यान से समझना, गौर से समझना, तीन पॉइंट कामन हो, ऐसा कोई आकृति बनाओ जिसमें तीन पॉइंट कामन हो। चलो मैं इनके नाम लिख देता हूँ, मान लो डी है, और कुछ भी लिख लो, मतलब अपने नाम अपने अकॉर्डिंग से आप लिख सकते हो। चलो मैंने लिख लिया बी सी डी और इसका ई लिख लो। चलो तीन पॉइंट कामन बोल रहा है ना, देखो यार पहला नंबर तो इन दोनों कोणों के लिए, मान लो इन कोणों के नाम है F1 और F2, तो F1 और F2 के लिए जो कामन है वो पॉइंट पहले तो E कामन है, क्योंकि E से ही ये F1 कोण भी बना है F2 भी बना है। दूसरा नंबर ये पॉइंट C भी कामन है दोनों के लिए, क्योंकि अगर C वाला ये लाइन नहीं रहेगी तो फिर ये दोनों कोण नहीं बनेंगे, और वो अगर लाइन है और लाइन पे पॉइंट C है तो वो भी कामन है ना। तो यानी कि क्या लिखोगे, पॉइंट E कामा C, एक और पूछ रहा है ना, देखो ये लाइन कामन है, इस पे आप चाहे जितना पॉइंट लगा दो सब कामन होगा, क्या होगा, सब कामन ही होगा, चाहे जितना पॉइंट लगा दो इस लाइन पे, ये सजिया वाली लाइन है ठीक। तो ई सी एंड एफ आर कामन, समझ गए ना,
तो लिख लो यार जल्दी से तुरंत, और जो क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना जिससे कि आपको हर एक क्लास मिल सके। अभी हम नंबर दिखाएंगे, कोई इंक्वायरी है तो आप उस पर कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो उसका भी जवाब मिलेगा, तो कमेंट भी करना यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। देखो यार इसके चौथे पार्ट में कह रहा कि फोर पॉइंट कॉमन हो, चार बिंदु कॉमन हो, चाहे चार नहीं चाहे 25 बिंदु कॉमन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोण दो बना लो, चलो मान लेते हैं कि हमने एक कोण बनाया जिसका नाम क्या है, गड़बड़ हो गया यार, चलो इधर बना लेते हैं। ये देखो मैंने ये बना लिया ना, एक कोण बन गया सी और एक कोण बन गया बी, ये दो कोण बन गए। कह रहा कि इन दोनों कोणों में कोई मतलब चार बिंदु कॉमन दिखाओ, चार बिंदु कॉमन हो। तो देखो मान लेते हैं इनके नाम हम रख देते हैं, वो क्या है, ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर, ध्यान देना सभी का नाम एक जैसे कर दिया। अब इसमें अगर कॉमन देखें तो कोण सी और कोण बी दोनों के लिए क्या क्या कॉमन है, ए फोर कॉमन है ना, इस पर आप कुछ भी लिख लेना यार, टी लिख देना, बी लिख देना, सी लिख देना, कुछ भी लिख देना, ये कॉमन है, प्लस क्या कॉमन है, ए टू भी कॉमन है। हमें चार बिंदु कॉमन ढूंढना है, अब इसमें और तो कोई कॉमन है नहीं, ए तो कॉमन है नहीं क्योंकि ये कोण वैसे भी यहाँ से यहाँ बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, तो हम यहाँ पर कोई भी दो बिंदु रख सकते हैं, ये लो सी वन और सी टू रख दिया भाई, ये सजिया वाली लाइन है, इस पर जो भी रहेगा वो दोनों में सजिया ही रहेगा, बात समझ रहे हो ना। जैसे गांव में होता है कुछ ज़मीन होती हैं जो चाचा दादा के मतलब उसमें रहती हैं, सजिया में जिसे बोलते हैं, मतलब दोनों लोग की रहती है, उस पर जो पेड़ उगेगा वो दोनों लोग का होगा, ठीक ना, उसमें जो भी व्यापार लाभ होगा हानि होगी वो दोनों का होगा, मतलब संयुक्त है एक प्रकार से, कहते हैं दोनों के सहयोग से चल रहा है जो, ठीक। तो ये लाइन दोनों के सहयोग से है, इस पर जो भी आप रखोगे वो दोनों के लिए कॉमन होगा, तो ये सी वन और सी टू भी हो जाएगा, ये सभी क्या है, चारों कॉमन हो गए, बात समझ में आई, तो इनको आप फट से बना लो जल्दी से, ठीक ना। अगला साथियों इसी में कह रहा है एक और, ये डी वाला पार्ट था, एक है इसी में ई वाला पार्ट, इसी क्वेश्चन में है, उसमें कह रहा है वन रे इन कॉमन, दो ऐसे एंगल बनाओ जिसमें एक किरण कॉमन हो, बहुत आसान है यार, एक किरण कॉमन हो, ये लो मैंने बना लिया एक एंगल, इस एंगलवा का नाम का लिखा पता है, इसका लिख दिया ए वन, इसका लिख दिया ए टू, दो कोण बना लिया ए वन और ए टू, एक किरण कॉमन करना है। देखो अगर ये हम यहाँ पर कोई नाम लिख दें, कुछ भी लिख लो आप, मान लो आर लिख लिया, यहाँ पर क्यू लिख लिया, यहाँ पर पी लिख लिया, तो ये किरण तो हर जगह बन रही, देखो ये इधर को जा रही है, अगर आर से देखें तो ये भी एक किरण है, क्यू पे देखो अगर इधर को जा रही है, ये भी क्या एक किरण है, ये भी क्या एक किरण है, लेकिन ये पूरी किरण नहीं है, केवल बिंदु के इधर वाली ही किरण है, पीछे नहीं, ठीक। लेकिन दोनों कोण के लिए कॉमन कौन सी किरण है भाई, कौन सी ऐसी किरण है जिसको निकाल दो तो ना इसका काम बनेगा ना उसका, अगर मैं इसको बीच वाली लाइन को मिटा दूं दोनों गड़बड़ा जाएंगे ना, दोनों का कोण खराब हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर एक कोण बन जाएंगे, मतलब ये बाउंड्री है बीच की, तो कॉमन कौन सी किरण है, लिखो किरण या फिर रे, क्यू इज कॉमन इन बोथ एंगल, किरण क्यू दोनों कोणों में कॉमन है, छाप लो जल्दी से। ये आपका एक्सरसाइज 4.3 भी खत्म हो गया, 4.1 भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, ठीक ना। तो यार चलते चलते हमारी आपसे निवेदन है, कृपया इस क्लास को आप लोग खूब सारा शेयर करो, और ऊपर नंबर दिया गया, अगर कोई इंक्वायरी है तो आप उसे जरूर करिए, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो पूछो, निसंकोच पूछो। इसके अलावा आप पीवीआर स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, अगर आपको पूरा मैथ पढ़ना है, पूरा कंप्लीट कोर्स पाना है, वास्तव में मैथ सीखना है, तो आप पीवीआर स्टडी ऐप के माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ठीक ना। तो ये काम आप करना जरूर यार, अगर करोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, 60 अंश का कोण आपने पढ़ा होगा, न्यून कोण है कि मतलब वो अधिक कोण है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, 60 अंश का कोण न्यून कोण है कि अधिक कोण है, 360 अंश का कोण क्या है, संपूर्ण कोण है या फिर बृहत कोण है, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, पूछ रहा हूं ना कुछ। एक और बताओ, हमने आपको रेफनल इरेफनल भी पढ़ा दिया है, रेफनल और इरेफनल भी पढ़ा दिया है, ये बताओ पाई इज रेफनल आर इरेफनल, जल्दी बोलो, पाई इज रेफनल आर इरेफनल, ऑप्शन नंबर ए रेफनल, ऑप्शन नंबर बी इरेफनल, जल्दी कमेंट करो फटाफट, कुछ तो रिवाइज करो यार, कुछ तो करो। चलो -5/4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, जल्दी बोलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये +5/4 होगा
या फिर एक बी वाला है ना, वो माइनस का 4/5 होगा। जल्दी बोलो क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, कमेंट करो यार, क्यों बैठे हो, सब पढ़ा दिया गया है। अच्छा ये बताओ, बहुत ही आसान सा सवाल है, एकदम प्यारा सा है, 24, ये 24 है ना, देख रहे हो ना, इसे पहचान रहे हो ना, क्या 28 इसका अपवर्तक है? अपवर्तक जानते हो फैक्टर, क्या 24 का अपवर्तक 28 है, यस या नो, जल्दी बोलो फटाफट, यस या नो। अच्छा 12 है ना एक संख्या, 12, क्या 3 इसका फैक्टर है, यस या नो, जल्दी बोलो फटाफट। ये सब क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में बड़े काम आने वाले हैं, सब मैं पढ़ा दिया हूँ पहले से, अगर आपने नहीं देखा तो इन्हें ज़रूर देख लेना, और पूरा कोर्स के लिए आज ही डाउनलोड करें PVR स्टडी ऐप, और पढ़ते रहें कहीं से भी कभी भी। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक एक निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए अपने सभी मित्रों को, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह से यूट्यूब पर फ्री में क्लास देखते रहिए। लेकिन अगर आप इतना करोगे तब संभव हो पाएगा यार, तो करो ना प्लीज। मिलते हैं फिर, जय हिंद, अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा कल सुबह 7 बजे से, और आप PVR स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सेटिंग में जाके वहाँ से सारी क्लास बाद में भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि 7 ही बजे देख लो, ठीक है, कभी भी देखो, लेकिन चैनल पे विजिट करो। इंक्वायरी है, कोई हेल्प है तो ऊपर नंबर है, उन पर संपर्क करो।